कथन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल। जो बोलूँ खोल तू सबकी पोल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मिनी मुंबई के रूप में पहचाने जाने वाले इंदौर शहर में किस तरह से साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है, इसका खुलासा हम लगातार करेंगे। हाल ही में करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पर धोखाधड़ी कर बनाई गई होटल वाओ पर बुलडोजर चलने का सभी को इंतजार है। होटल वाओ को बचाने के लिए इंदौर के गुटखा माफिया साजिशें कर जमीन के लीज धारक किसान और उनके मददगार निखिल अग्रवाल के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं, जबकि युवा व्यापारी निखिल अग्रवाल ज्यादातर मामलों में दोषमुक्त हो चुके हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो वैसे सत्यता तो ये नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस द्वारा कुछ षड्यंत्रियों ने मुझे ब्लैकमेल और फिरौती मांगने की नीयत से मेरे खिलाफ कुछ झूठे केस लगवाए थे व्यापारियों ने। अपने व्यापार में हार जीत उनकी ज़्यादा होने से उनको लोगों के रुपए चुकाने थे, तो उसके लिए वो षड्यंत्र पूर्वक मुझे उलझा कर पैसे की नीयत झूठे केस लगवा के इस टाइप का उन्होंने ये कृत्य किया था, जो आज से 3 साल पहले मेरे साथ हुआ था। उसमें भी आज ऐसी स्थितियां हैं कि जिन्होंने एफ आई आरें कराई थी उन्हीं पे पलट के एफ आई आर होने की कोर्ट से और थानों से निखिल अग्रवाल को मैक्सिमम जगह से क्लीन चिट मिल गई। तो ये जो खबरें हैं ये वही लोग इन लोगों के साथ मिलके और ये सब मिलके इस टाइप की वापस ब्लैकमेलिंग चालू कर रहे हैं। मेरा वादवानी मतलानी परिवार से किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। उन्होंने एक जगदीश पालीवाल नामक व्यक्ति हैं जो मेरे क्लाइंट हैं, उनके साथ 100 करोड़ रुपए का प्लॉट जो एबी रोड पे है होटल का, उसकी धोखाधड़ी की थी, जिसके दस्तावेज मेरे द्वारा जगदीश पालीवाल जी का सहयोग कर EOW में दिए गए, जिसमें इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है और उसके कागजात चिल्ला चिल्ला के मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कहते हैं कि इनको उसमें सज़ा हो जाएगी। ये इस बात को शायद समझ नहीं रहे हैं और इनके काम ऐसे हैं कि ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं जब ये कहीं फंस जाते हैं। तो इन्होंने पालीवाल जी को और मुझे साथ में लेके भोपाल में एक केस दर्ज करवा दिया ब्लैकमेलिंग का, क्योंकि ये पहले भी उसी जज और उसी वकील के थ्रू इस टाइप के काम कर चुके हैं, लेकिन मुझे पुलिस की अभिरक्षा मिली हुई थी तो उसके अनुसार सारे दस्तावेज मेरे पास पुख्ता हैं कि मैं उस दिन इंदौर में था और मुझे CID वाले भी मिलने आए थे, उनके द्वारा भी मैं इंदौर में ही था। मेरा उन लोगों से कोई विवाद नहीं है, एक आदमी को न्याय दिलाने की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और न्याय के लिए अगर मुझे ये सब चीज़ें झेलना पड़ती हैं तो उसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती। और वैसे भी मेरा कभी भी किसी इंसान से कोई विवाद रखने की आदत नहीं है, आदमी समझे अपनी गलतियों को तो मैं हमेशा उसे माफ़ करने की वो रखता हूँ। मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर में साजिशें रचने का कारण बन रही है। इसी होटल की जमीन के लीज धारक से धोखाधड़ी कर अपने नाम करा लेने वाले होटल के संचालकों के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने FIR दर्ज कर ली है, जिसके बाद से ही पीड़ित किसान और उसके सहयोगी को झूठे मामले में फंसाने की साजिश शुरू हो गई है। हाल ही में भोपाल में एक झूठी FIR भी कराई गई। अब किसान के सहयोगी निखिल अग्रवाल को बदनाम करने की गरज से झूठे समाचार भी प्रकाशित किए जा रहे हैं, जिन मामलों में युवा व्यवसाय निखिल अग्रवाल दोषमुक्त हो चुके हैं वह भी खबरों की हेडलाइन बनी हुई है। गौरतलब है कि व्यापारिक स्पर्धा के चलते युवा व्यवसाय को झूठे मामलों में फंसाया गया था, जिसमें उन्हें लगातार क्लीन चिट मिली है। अब युवा भाई का कहना है कि अगर उन्हें बदनाम किया गया तो वह कानून का सहारा लेंगे और बदनाम करने वालों को उनके किए की सजा दिलाएंगे। बड़ा आश्चर्य होता है कि जो लोग 100 करोड़ का प्लाट खाकर बैठे हैं वो लोग 40,000 की ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहे हैं। ये अपने आप में हास्यास्पद है। मतलब ये लोग इतने घिनौना अपराध कर सकते हैं, इतने गए निम्न स्तर पर जा सकते हैं, मुझे इनकी बुद्धि पर तरस आ रहा है कि ये किस प्रकार के लोग हैं और अपने आप को क्या समझते हैं और इनका स्तर क्या बताता है कि ये किस स्तर के लोग हैं। काफ़ी जिस प्रकार का इन्होंने आरोप लगाया कि हम भोपाल में जाके 40,000 रुपये छीन लिए है, उस दिन हम इंदौर में थे और उसके तमाम सबूत मौजूद हैं,
और मेरे जो कागज हैं वो इतने पुख्ता है अपने आप में कि मुझे कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इंदौर विकास प्राधिकरण की पूरी फाइल ही उनके काले कारनामों का खुला चिट्ठा है जो अपने आप में सबूत है, जिसे किसी सबूत की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा तो सिर्फ अब एकमात्र, चूंकि मैं उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच चुका हूं कि जहां कोई हसरतें बाकी नहीं बचती, और अब तो मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि जो भी अपराधी हैं, जो इस कार्य में लिप्त हैं, उन लोगों को उनके सही मुकाम तक पहुंचाना ही अब मेरा उद्देश्य है। थन थन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल, जो बोलूँ खोल दूँ सबकी पोल।